चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है रीसा, त्रिपुरा का पारंपरिक परिधान। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्रथागत हाथ से बने कपड़े रीसा को सपोर्ट करने के लिए इसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है और इसीलिए यह चर्चा में है। तो चलिए देखते हैं रीसा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। रीसा एक प्रथागत त्रिपुरी महिला पोशाक के तीन भागों में से एक है, अन्य दो को रिंगनाई और रिकुतु कहा जाता है। रिंगनाई स्कर्ट जैसा कपड़ा होता है जिससे शरीर के निचले हिस्से को ढका जाता है, वहीं रिकुतु से शरीर के ऊपरी हिस्से को ढका जाता है। रिकुतु का इस्तेमाल दुल्हन की चुनरी के तौर पर भी किया जाता है। रीसा हथकरघे से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष भी करते हैं और इसे कई अन्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रीसा का मुख्य इस्तेमाल महिलाओं के स्तन ढकने के लिए होता है। लड़कियां इसे बचपन से ही नहीं पहनती हैं। जब वो 12 या 13 साल की होती हैं, यानी जब वो यौवनावस्था की उम्र में पहुंचती हैं, तब रीसा सोरेमानी नाम का एक फंक्शन रखा जाता है। इसमें बड़ी औरतें उस लड़की को रीसा देती हैं, अपने स्थानीय देव की पूजा करके उस लड़की के लिए प्रार्थना भी करती हैं। त्योहारों और शादियों में पुरुष रीसा को पगड़ी की तरह पहनते हैं, वो धोती के ऊपर कमर पर भी इसे बांधते हैं। सर्दियों में रीसा का इस्तेमाल मफलर की तरह किया जाता है, वहीं सर्दियों में सिर पर बांधने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लोग पीठ या छाती पर बच्चे को बांधने के लिए भी रीसा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को इससे बांधने पर काम करना और चलना थोड़ा आसान भी हो जाता है। प्राचीन समय में माणिक्य राजा अपने समुदाय में एक महिला की बुद्धिमत्ता को उसके बुने हुए रिंगनाई और रीसा डिजाइनों के आधार पर आंकते थे। आइए अब देखते हैं कि रीसा को प्रमोट करने में चुनौतियां क्या है। बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध पावरलूम निर्मित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण कपड़े के व्यापार में सैकड़ों साल से तेजी से बदलाव हो रहे हैं। रीसा ज्वलंत बहुरंगी डिजाइनों में आती है और यह कौशल एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे बढ़ता है। हालांकि इसके अधिकांश डिजाइन समय के बीतने के साथ खो चुके हैं और अब केवल कुछ ही शेष बचे हैं। आधुनिक विश्व में रीसा का क्या महत्व है? त्रिपुरा की सरकार का कहना है कि इसे उस स्तर पर प्रचारित नहीं किया गया जितना कि करना चाहिए था, जबकि रीसा सैकड़ों वर्षों से है। कुशल त्रिपुरी कारीगरों और बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विदेशी सामान को बेचने में सक्षम नहीं होने के कारण नकदी की कमी का सामना करना पड़ता है। सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के हस्ताक्षर टेक्सटाइल के रूप में रीसा को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रीसा त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है। रीसा लंबे समय से राज्य की संस्कृति और परंपरा को निभा रही है। सरकार इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान देने की कोशिश कर रही है। वर्तमान समय में पारंपरिक बुनकरों को बढ़ावा देने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? सरकार स्वरोजगार के लिए अपनी नीति में रीसा को शामिल कर रही है। 2018 तक 60 हथकरघा समूहों के साथ राष्ट्रीय हथकरघा जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में 1,37,177 हथकरघा बुनकर थे। हालांकि उनमें से केवल एक मुट्ठी भर एक पारंपरिक आदिवासी हथकरघा पर काम करते हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय ने पहले से ही कई कारीगरों को अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए समर्थन दिया है, जो अगरतला में एक्सपो और उद्योग मेलों में अपने उत्पादों का विपणन करते हैं, जिनमें से कुछ ने दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व किया है। रीसा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा के प्रयासों को अधिकांश जनजातीय आबादी से सराहना मिली है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, रीसा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, रीसा एक प्रथागत महिला पोशाक के तीन भागों में से एक है। कथन दो,
यह मणिपुर से संबंधित है। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.